नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवानी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देश पर एक बार फिर से धब्बा लगाने का काम किया है। यहां एक बार फिर 9 साल पहले हुए इमराना कांड को दोहराया गया है। एक बार फिर यहां एक ससुर ने रिश्तों को तार तार कर अपनी बहू के साथ हैवानियत का गंदा खेल खेला, बहू को गर्भवती तक कर दिया। अब पीड़ित ने डीएम से गुहार लगाई है कि उसे इंसाफ मिले और साथ ही मिले गर्भपात की इजाजत। मुजफ्फरनगर में एक और इमराना कांड। ससुर ने फिर बनाया अपनी बहू को हवस का शिकार। बहू को किया गर्भवती, बनाया अश्लील वीडियो। और अब वो लगा रही है गुहार, मुझे नहीं चाहिए नाजायज बच्चा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लगभग 9 साल बाद एक बार फिर इमराना कांड की यादें ताजा हो गई हैं। इमराना कांड की तरह ही शहर की एक बस्ती में एक ससुर ने अपनी बहू के साथ कई महीने तक शारीरिक संबंध बनाए। मामले का खुलासा होते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़िता ने बताया कि उसके ससुर ने तमंचे के बल पर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। विरोध के बावजूद ये सिलसिला चलता रहा। ससुर ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। जब भी महिला इस बात का विरोध करती तो हैवान वीडियो को इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर उसका मुंह बंद करा देता। एक दिन में घर पे अकेली थी, लगभग 11 बजे का टाइम था दिन में, तो उन्होंने घर पे ले गए अंदर घर में और उन्होंने कट्टा दिखाया। कहने लगे जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही कर। धमकी दी उन्होंने मारने की। फिर घर में पता नहीं उन्होंने क्या किया, तो अगले दिन में उन्होंने वीडियो दिखाई मुझे और कहने लगे अगर मेरे कहने को नहीं मानी तो मैं नेट पर इंटरनेट पर वीडियो डाल दूंगा तुम्हारी, और जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। महिला से हुई हैवानियत का किस्सा यही खत्म नहीं होता। इससे आगे की कहानी आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। पीड़ित महिला के मुताबिक उसकी शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी और शादी के बाद ही उसका पति रोजगार के लिए सऊदी अरब चला गया, जिसके बाद पीड़ित के ससुर ने उसके साथ हैवानियत का गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया। इसी बीच एक बार फिर उसका पति यहाँ पर आया तो उसने उसे भी पूरी कहानी बताई। पीड़ित का आरोप है कि पति ने उल्टे उसे ही धमका कर चुप करा दिया। जी शोहर को पता था तो शोहर ने कहा कि मेरे पापा पे गलत इल्जाम लगाई है, तो उन्होंने भी कह दिया। पीड़िता गुरुवार को कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंची और कलेक्टर से अपनी आप बीती बताई। पीड़ित ने बताया कि वो 7 महीने की गर्भवती है और अपना गर्भपात कराने की अनुमति के साथ साथ आरोपी ससुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 7 महीने का बच्चा है मेरे पेट में जो मेरे ससुर का है, तो मैं उसे गिराने की डीएम साहब से परमिशन चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मामले पर पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में हुई यह हैवानियत पहली नहीं है। इससे पहले 8 जून 2005 को मुजफ्फरनगर के चरथावल में इमराना के साथ उसके ससुर अली मोहम्मद ने दुष्कर्म किया था। मामले का खुलासा होने के बाद मुस्लिम पंचायतों का दौर शुरू हुआ। दारुल उलूम देवबंद ने शरीयत का हवाला देते हुए फतवा जारी किया। फतवे में कहा गया था कि अब इमराना अपने पति के साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसके साथ ससुर ने संबंध बना लिए हैं और उसका पति अब बेटे की तरह है। हालांकि इमराना ने हार नहीं मानी थी और कानूनी लड़ाई लड़ी। घटना के करीब 16 महीने बाद आरोपी ससुर को अदालत ने 10 साल की कैद सजा सुनाई थी, लेकिन ये केस थोड़ा अलग है। इसमें मां के पेट में पल रहा बच्चा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। और इस वक्त खास मेहमान शबनम खान, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबनम, सबसे पहले प्रतिक्रिया, इस पूरी घटना को आपने सुना भी होगा, किस तरह से एक महिला गुहार लगा रही है इंसाफ के लिए, क्या कहेंगे आप? शिवानी, सबसे पहले तो इस तरीके के केसेस देखकर ही दुख होता है कि किस तरह से ससुर जो पिता के समान होते हैं प्रताड़ित करते हैं। और यूपी में खासकर अगर मैं बात करूं शिवानी, तो ज़्यादातर लोगों के बेटे बाहर सऊदी अरब या ऐसी कंट्रीज में कहीं ना कहीं नौकरी करने गए रहते हैं, तो लड़कियों का हरेसमेंट करना बहुत आसान होता है। यौन शोषण जिस तरह से इमराना का हमने देखा, इन्होंने आवाज़ उठाई और बहुत सारी महिलाएँ हैं जो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें नजर आती है वो तो ये है कि इन्होंने कानून की मदद ली है और सीधे कानून का दरवाजा खटखटाया है।
यहाँ हमारे जो मौलाना हैं शिवानी, कहीं ना कहीं वो हमें शरीयत में उलझा के रखना चाहते हैं। आप देखिए, मुस्लिम महिलाओं को कानून का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है जी। वो कहीं ना कहीं कि मुस्लिम धर्म में क्या होगा, अब आप इसकी पत्नी रहेंगी कि नहीं, ससुर की पत्नी हो जाएंगी, आपकी जिससे शादी हुई थी वो आपका बेटा हो जाएगा, इस तरीके की चीजों में उलझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके माध्यम से सारी मुस्लिम महिलाओं से, हालांकि महिलाएं मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटना चाहती हूँ, सबकी तकलीफ एक बराबर होती है, पर क्योंकि यहाँ मुस्लिम समुदाय का मामला है, सीधे आप कानून की मदद लें, ये बहुत जरूरी है। मौलाना हमारे किस चीज में हमें उलझाने की कोशिश करते हैं, इससे हमें बचना होगा, इससे हमें उबरना होगा जी। बिल्कुल शबनम, लेकिन सवाल इसमें एक बड़ा ये भी तो उठता है कि आखिर मासूम बच्चे का क्या होगा जिसने अभी जिंदगी देखी भी नहीं, जिसने अभी दुनिया में अपना पहला कदम तक नहीं रखा है। क्या इस बच्चे को दुनिया देखने मिलेगी या फिर इस मासूम को बनना पड़ेगा किसी दूसरी गलती का शिकार? ससुर का है कसूर, पीड़ित को चाहिए इंसाफ, लेकिन अजन्मे बच्चे का क्या? ये सच हो सकता है कि ससुर का कसूर है, ये सच है कि पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस अजन्मे बच्चे का क्या होगा? वो मासूम अभी माँ की कोख में ही है, उसे इंतजार है कि वो दुनिया देखे, लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहाँ उसकी जिंदगी और मौत का फैसला सरकार के आदेशों पर ठहर सा गया है। आखिर क्या होगा उस मासूम का जिसकी कोई गलती नहीं है? क्या इस हैवानियत के खेल की सजा मासूम को दी जानी चाहिए? मुजफ्फरनगर की इस माँ ने डीएम से गुहार की कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, हम जिम्मेदार माँ को नहीं ठहरा रहे। पीड़ित ने ससुर पर नाजायज संबंध बनाने का आरोप लगाया है, अगर ये सच है तो ससुर को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब बात बच्चे की आ जाती है तो जहन में ये सवाल नाहक ही उठ जाता है कि आखिर इस मासूम की क्या गलती है? क्या माँ को मिल जाएगी गर्भपात की इजाजत? ससुर पर नाजायज संबंधों का आरोप लगाते हुए पीड़ित डीएम से मिली और रिश्ते को तार तार कर देने वाली वो दास्तां डीएम को सुना दी, जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने गुहार लगाई कि उसे ये बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। देश में गर्भपात की मांग पहले भी उठाई जा चुकी है, लेकिन ये मामला उन सभी मामलों से अलग है। मुंबई में निकिता नाम की महिला ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उनके होने वाले बच्चे के दिल में जो बीमारी है उसकी वजह से उसे पेसमेकर लगवाना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके अदालत ने गर्भपात की इजाजत नहीं दी। कानून क्या कहता है? 1971 का गर्भ कानून कहता है कि 20वें सप्ताह से ज्यादा के गर्भ को तभी नष्ट किया जा सकता है जब इससे मां के स्वास्थ्य को कोई खतरा न हो, और अगर मां के स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है तो ऐसे में भारत का कानून बच्चे के गर्भपात की इजाजत नहीं देता। वहीं ब्रिटेन में इसकी समय सीमा 24 हफ्ते, फ्रांस और जर्मनी में 12 हफ्ते, इटली में 12 हफ्ते और अमेरिका के अलग अलग राज्यों में 12 से 24 हफ्ते तक है। मतलब पूरी दुनिया में गर्भपात के लिए एक समय सीमा तय है जो कि 7 महीने के मासूम का समर्थन करती है। अब इस मासूम पर जो भी अपना फैसला सुनाएगा उसके लिए भी ये फैसला किसी धर्म संकट से कम बड़ा नहीं होगा। न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुजफ्फरनगर से योगेश त्यागी की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ शाइस्ता अंबरजी जुड़ गई हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की। शाइस्ता जी, किस तरह से इसे देखा जाए, शरीयत में ना इसे जोड़ा जाए, एक महिला जो पीड़ित है वो गुहार लगा रही है, उसे इंसाफ चाहिए और उसके ससुर पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, किस तरह से इस खबर को देखेंगी आप? देखिए, सीधी सीधी बात है, हम जिस देश में रहते हैं इसमें हम लोग मुसलमान यकीन करते हैं और भारत के संविधान के नजरिए से हम लोगों का ये मानना है कि हमारे भारत के संविधान में पूरी तरह से सभी धर्म व समुदाय के को नजर में रखते हुए और खास करके मुस्लिम पर्सनल लॉ को नजर में रखते हुए हमारे देश की सभी अदालतें, चाहे वो निचली हो चाहे सर्वोच्च हो, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड को नजर में रखते हुए एक सजा देती है या उनको जिन जो बेगुनाह है, जिनका हक मारा गया या जिन पर जुल्म हुआ है, उनको हमारे देश की अदालतें इंसाफ देती हैं। और ऐसे इस कई मामले आए हैं हमारे देश में
कि हमारे देश की अदालतों ने इस्लाम के कानून को भी नजर में रखते हुए सजा भी दिया और बेगुनाहों और जिन पर जुल्म हुआ है उनको इंसाफ भी मिला है। इसलिए ये औरत के लिए हम ये कहेंगे कि हमारे इस्लाम में अगर उस ससुर ने रेप किया है, उसकी इच्छा के खिलाफ किया है, उसको दहशत के साए में उसके साथ बलात्कार किया है और इस तरह से उसने जो जुल्म किए हैं, इसके लिए इस्लाम में भी वही कानून है जो हमारे उसको सजा ही मिलनी चाहिए। जी, और ये कोई पहला मामला नहीं है। इमराना मामला भी आपको याद होगा, उसमें किस तरह से जो शरीयत ने फतवा जारी कर दिया था उस पीड़ित महिला के लिए, जिसमें कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद एक और ये मामला, लेकिन इस मामले में तो ये है कि 7 महीने की गर्भवती है वो महिला, वो इंसाफ मांग रही है। क्या इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो बच्चे को अगर जन्म देती है तो पिता का नाम किसे दिया जाएगा? देखिए ऐसा है, अब वो बच्चा तो जाहिर सी बात है कि उसका वजूद है, उसका वजूद हो चुका है और वो दुनिया में तो आएगा, लेकिन अब उसको अपने वजूद के लिए भी लड़ना होगा। और ये औरत को इंसाफ इस तरह दिया जा सकता जी कि ये औरत को जहाँ तक हो सके इस्लाम की अदालत इसके लिए हमदर्दी करे और इनको इंसाफ दे और मुजरिम को सजा दे, वो चाहे ससुर हो चाहे कोई भी हो। अगर उसका बच्चा आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा, उस बच्चे को दुनिया में लाया जाए और बाप की और उस बच्चे का जो हक बनता है जी, आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा महिला को इंसाफ दिलाने के लिए, नाम दिया जाए, लेकिन उसको सजाए मौत होनी चाहिए जी। शबनम, ये बच्चा एक जुर्म और एक गुनाह के सबब हुआ है जी, इसलिए मैं समझती हूँ कि इसका जुर्म की सजा इस्लाम में सजाए मौत है और हिंदुस्तान के कानून में भी जस्टिस वर्मा। बिल्कुल, आपकी ऐसे में क्या जिम्मेदारी बनती है ये भी मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन शबनम, क्यों हम एक पीड़ित महिला की बात कर रहे हैं, उसके आने वाले बच्चे के लिए हम सोच रहे हैं, वो होगा उसे इंसाफ बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन जो दोषी है उसके लिए सबसे पहले बात करनी चाहिए, उसने इतना बड़ा गुनाह किया, सबसे पहले सजा का हकदार वो है। शिवानी, कल मैं SP सिटी का बयान भी सुन रही थी, वो इसको इतना लाइटली ले रहे थे जैसे ये कोई मामला ही नहीं है और लड़की ने शिकायत ऐसे ही आकर कर दी है मजाक में। मुझे लगता है कि इनको कड़ाई से संज्ञान लेना चाहिए और अभी तक ससुर को जेल के अंदर होना चाहिए था। आप और हम, मीडिया जब आवाज उठाएगा, कोई इस तरीके की चीजें दिखाएगा, तभी इनके कान खुलने का काम होता है। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीजें बहुत हैं शिवानी, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं ये जो हमारे धार्मिक गुरु हैं इनकी बातें सुनकर, अब पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहेगा, अब फलाने काजी क्या कहेंगे, इन सब चीजों पर हम नहीं जाना चाहते। हम महिलाएं हैं, हमें हमारे देश का कानून क्या कहता है, मानवाधिकार की शिवानी यहाँ पर हम हमेशा बात करते हैं, मानवाधिकार में महिलाओं के लिए सबको एक समान अधिकार है, फिर आप और हम किस तरीके के अधिकार देने की बात करते हैं महिलाओं को। मुझे लगता है कि फटाफट संज्ञान लेकर जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और लड़की के बच्चे की आप और हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है 7 महीने का गर्भपात हमारे देश में कोई इजाजत मुझे नहीं लगता कि कोई भी देने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको उस पूरा बच्चे उसको, का क्या होगा जो किसी दूसरे की गलती का शिकार हुआ है। बिल्कुल, समाज में आने का अधिकार है बच्चे को। जी बिल्कुल, शबनम जी आपका और शाइस्ता जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।